नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अभी जो जानकारी सामने आई है वह भारत को बहुत अधिक सुकून देने वाली है। बताया जा रहा है कि भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारत को राफेल विमान की आपूर्ति का ऐलान कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल के अंत में भारतीय वायुसेना को एक नया विमान पहले ही सौंपा जा चुका है। अब भारत को एक साथ 4 राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। इनके भारत को मिलते ही वायुसेना की युद्ध क्षमता में खासा इजाफा होना तय माना जा रहा है। साथ ही एलएसी पर चीन के साथ चल रहे टकराव में राफेल को गेम चेंजर के तौर पर प्रस्तुत भी किया जा रहा है। यानी भारत को राफेल के मिलते ही सेना कहीं ज्यादा आक्रामकता से चीन की पीएलए की एकड़ी निकाल सकेगी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत इस बार बालाकोट की गलती नहीं दोहराना चाहता है। सेना को राफेल का बेसब्री से इंतजार है, उसके बाद चीन की चिता की लकड़ियां चुनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भारत अपनी क्षमताओं को अच्छी तरीके से परख रहा है। सेना को चीन से संघर्ष में जहां लूज पॉइंट नजर आ रहे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार इस वक्त बेहद सहनशीलता से एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पर इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर ने चीन की नींद उड़ा दी है। इजराइल से सैनिक साजो सामान भारत पहुंचना शुरू हो चुका है। किसी भी संकट में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी इस बार बड़े पैमाने पर भारत को मदद का आश्वासन दे चुका है। इजराइल से भारत भारी मात्रा में गोला बारूद मंगा रहा है। खास बात यह है कि इजराइल ने अपने सर्विलांस का फोकस ज्यादातर चीनी गतिविधियों पर कर दिया है, जिससे वह सटीक जानकारी भारत को उपलब्ध करा सके। यानी चीन के खिलाफ सजदी रणभूमि में अब बड़े योद्धाओं का गुट बनना शुरू हो चुका है, जिससे चीन की फिक्र बढ़ना लाजमी है। इजराइल ने आवश्यकता पड़ने पर हेरान ड्रोन और अवाक से एयरबोन वार्निंग कंट्रोल सिस्टम की अतिरिक्त आपूर्ति करने का ऐलान भी किया है। फिलहाल भारत के पास 5 अवाक सिस्टम मौजूद है। साथ ही इजराइल ने गोला बारूद की आपूर्ति भी सुचारू रखने का भरोसा दिलाया है। यानी भारत का यह मित्र देश एक बार फिर से सबसे विश्वसनीय सहयोगी साबित हो रहा है। इजराइल ने कहा है कि भारत को अपनी रक्षा के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसको देने के लिए हमने कोई सीमा तय नहीं की है। इसका साफ मतलब है कि भारत को इजराइल से बहुत कुछ मिलने जा रहा है, जिससे न केवल भारत की युद्ध क्षमता बढ़ेगी बल्कि चीन की पेशनी पर बल पड़ना भी तय है। वैसे भी मई महीने में इजराइल में हुई चीनी राजदूत की मौत की वजह से दोनों देशों के संबंध ज्यादा अच्छे भी नहीं है। पर जब बात भारत पर संकट की आती है तो इजराइल चीन या अन्य किसी मुल्क की परवाह नहीं करता है। इजराइल समझौतावादी देश नहीं है। उसकी छवि राष्ट्रवाद वीरता और निर्भीकता के अतिरिक्त एक और गुण इस राष्ट्र को विशेष बनाता है, और वो है इसका मित्रतावादी चरित्र। इजराइल सबसे मित्रता नहीं करता है, लेकिन जिससे करता है उससे मित्रता निभाना उसे अच्छी तरह आता है। इस वक्त भारत और अमेरिका उसके सबसे नजदीकी मित्र देश हैं। भारत चीन की ओर से उत्पन्न किए जा रहे संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में इजराइल का भारत की मदद में आना भारतों के लिए अप्रत्याशित नहीं है। भारत में इजराइल के राजदूत रान मलक्का ने कहा है कि वे भारत और चीन के संघर्ष पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल भारत के प्रयासों की सराहना करता है। सभी देशों को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। इजराइल का यह बयान खुल्लम खुल्ला भारत का समर्थन माना जा रहा है। इससे चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। पर जिस तरह से इजरायली विमानों के भारत में लैंड होने की खबरें आ रही है उससे उसकी फिक्र कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक किसी देश से मदद या साथ होने की बात को सार्वजनिक नहीं किया है, मगर चीन जरूर उन देशों की सूची तैयार करने में जुटा है जो भारत से संघर्ष में उसके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे देशों में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इन देशों ने सीधे सीधे चीन की मुखालफत की है, जबकि भारत पक्ष का खुलकर समर्थन किया है। फिलहाल चीनी पक्ष की बात करें तो उसके साथ फंटर पाकिस्तान खड़ा नजर आता है। अगर एलएसी पर दोनों देशों में टकराव चरम पर पहुंचा तो इस महायुद्ध में चीन से ज्यादा पाकिस्तान में विनाश होने की संभावना है। यह देश लगभग पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उसके हाथ से पीओके निकलने के साथ यह टुकड़ों में विभाजित भी हो सकता है, क्योंकि वह भारत से सीधी जंग में चीनी हिमायती बना तो अफगानिस्तान की तरफ से भी एक फ्रंट खुलना तय है। ऐसे में यह संघर्ष केवल चीन और भारत के बीच सीमित नहीं रहने वाला है। अगले पखवाड़े राफेल की भारत में आने की चर्चा से एलएसी पर हलचल बढ़ने जा रही है। भारत ने देसी S-400 यानी आकाश तैनात करके कुछ बड़ा होने का संकेत दे दिया है। भारत द्वारा तैयार किए गए लेजर विपण काली को भी स्थापित किए जाने की खबर है।
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसराइल से डर्बी मिसाइलों की एक खेप आ चुकी है, यानी एलएसी के पार चीन के हर वार का जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राफेल आएगा तो इस तैयारी में चार चांद लगना तय है। अब यह राफेल अंबाला एयरबेस पर जाने की बजाय सीधे एलएसी पर चाइना की भेंट लेकर वापस अंबाला लौटेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।